नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये मूवी तमिल फिल्म जिगर ठंडा का हिंदी रीमेक है, जिसके एक्टर को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। और अब इसी फिल्म को अपने स्टाइल में अक्षय कुमार बॉलीवुड में ला रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चन पांडे की कहानी की, तो ये एक मायरा नाम की लड़की की कहानी है जो एक फिल्म बनाना चाहती है। उसे एक गैंगस्टर के बारे में पता चलता है, तो वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो उसी पर अपनी फिल्म बनाएगी। वो अपने इसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करती है और अपने एक दोस्त वीशु के साथ बगुआ गाँव चली जाती है। उस गाँव में बच्चन पांडे नाम के गैंगस्टर का भौकाल है। बच्चन पांडे कितना खतरनाक है, इस बात का पता तो हमें उस टाइम ही चल जाता है जब वो एक सिर्फ इसलिए एक आदमी को जिंदा जला देता है क्योंकि उसने बच्चन पांडे की कार्टून वाली फोटो छाप दी थी। मायरा और विशु उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि तभी बच्चन पांडे को इसके बारे में पता चल जाता है। जब मायरा और विशु भागने वाले ही होते हैं, तभी उन्हें बच्चन पांडे पकड़ लेता है। जैसे ही बच्चन पांडे को पता चलता है कि वो लोग उस पर फिल्म बनाने वाले हैं, तो वो ये सोचने लगता है कि अब उसका नाम दूर दूर तक फैल जाएगा, ज्यादा लोग उससे डरने लगेंगे। वो फिल्म के लिए मान जाता है, मगर उसकी एक शर्त होती है, और उसकी ये शर्त होती है कि वो अपनी फिल्म में खुद अपना रोल करेगा। अब वो अपना रोल अच्छे से कर पाता है या नहीं, उसे मायरा से प्यार होता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको खुद ही मूवी देखनी होगी। अब वो आप पर है कि आप बच्चन पांडे देखेंगे या तमिल की जिगर ठंडा। इस फिल्म में बच्चन पांडे का कैरेक्टर अक्षय कुमार ने प्ले किया है, और इस बार उन्होंने अपने लुक पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। जिस तरह का उनका रोल है, उन्होंने उसी तरह का लुक भी अपनाया है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो उनकी परफॉर्मेंस में आप खोट नहीं निकाल सकते। वहीं फिल्म में कृति ने मायरा नाम की एक एक्सपायरिंग फिल्म मेकर का किरदार निभाया है। उन्हें एक्सपायरिंग फिल्म मेकर कहकर इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मूवी में कुछ किया है। वो सिर्फ हीरो के साथ गाने में नाच नहीं रही, वो एक गैंगस्टर पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मायरा के दोस्त विशु का कैरेक्टर अरशद वारसी ने प्ले किया है। ये तो सभी को पता है कि अरशद वारसी स्क्रीन पर कुछ नहीं भी करें तब भी फनी लगते हैं, पर इस बार वो कोशिश करने के बाद भी पब्लिक को एंटरटेन नहीं कर पाए, जबकि फिल्म में उनके पास अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है। इन लोगों के अलावा अभिमन्यु सिंह, संजय मिश्रा और प्रतीक बब्बर भी इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म में हमें दो गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिली, जैकलिन फर्नांडिस जो सिर्फ एक गाने में दिखाई दी, वहीं दूसरे थे पंकज त्रिपाठी जो भावेश भोपाली नाम के एक्टिंग टीचर के रोल प्ले कर रहे थे, जो बच्चन पांडे और उसकी गैंग को ट्रेनिंग देता है। बच्चन पांडे एक अच्छी फिल्म है जो हमें कोई गलत मैसेज नहीं देती, बुराई पर अच्छाई की जीत इस फिल्म का बेसिक आइडिया है। हालांकि दशहरा वाले मैसेज के साथ फिल्म का होली पर रिलीज होना थोड़ा वियर्ड है। आप चाहें तो बच्चन पांडे को सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।